खुशखबरी 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 नहीं, किसी का बच्चा नहीं हुआ है। खुशखबरी यह है कि इस स्प्रिंग के सीजन में 9 नए हिंदी एनिमेज अब क्रंची रोल के ऊपर आने वाले हैं। हाँ, तुम लोगों ने एकदम सही सुना है, 9 नए हिंदी एनिमेज, जैसे कि तुमने टाइटल और थंबनेल में देख रहे हो। और ये वीडियो है ना, कोई क्लिकबेट नहीं होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं सच्ची में तुम्हें 9 नए एनिमेज के बारे में बताऊंगा जो क्रंची रोल के ऊपर हिंदी में आने वाले हैं, और वो एकदम नए एनिमेज है। तो चलो इस वीडियो के अंदर है ना, उन्हीं 9 एनिमेज के बारे में बात करते हैं और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि उनकी रिलीज डेट भी क्या है। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी एक चीज वो तुम्हें करनी है, वो है चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो बढ़ते हैं अपने नए स्प्रिंग सीजन के नए हिंदी एनिमेज की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें 9 एनिमेज का नाम बता देता हूं जो अगले महीने से तुम क्रंची रोल के ऊपर हिंदी डब में देख पाओगे। तो सबसे पहला एनिमे का नाम है वायर एलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक मेंशन, ये एक रोमांस एनिमे है। दूसरा वर्किंग फॉर अ गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड, ये एक कॉमेडी एनिमे है। तीसरा द एंशिएंट मेगस ब्राइड, इसका दूसरा सीजन आ रहा है, वैसे पहला वाला भी क्रंची रोल के ऊपर हिंदी में अवेलेबल है। चौथा वन हिट किल सिस्टर, एक रोमांस एची और कॉमेडी एनिमे। पांचवा डेड माउंट डेथ प्ले, एक थ्रिलर एक्शन एनिमे। छठा कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेस्ट, एक रोमांस कॉमेडी एची एनिमे, इसका मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। सातवां रैंकिंग ऑफ किंग्स ट्रेजर चेस्ट ऑफ करेज, इसके पहले वाले सीजन भी क्रंची रोल के ऊपर हिंदी में अवेलेबल है। आठवां जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था, हेल्स पैराडाइज। और लास्ट मैशली, एक मैजिकल एनिमे। तो यही है वो 9 एनिमेज जो नेक्स्ट मंथ से क्रंची रोल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेंगे। और इनके अंदर है ना कुछ पुराने भी एनिमेज है, और लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ 3 एनिमेज के लिए। सबसे पहला मैशली, क्योंकि है ना थोड़ा सा मुझे हैरी पॉटर वाली वाइब दे रहा है, ये मैजिकल शो होगा और मैंने कॉमिक कॉन में इसकी मांगा भी देखी थी। और सेकंड हेल्स पैराडाइज, भाई इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने लास्ट मंथ ही इसको पढ़ के ख़त्म किया और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये अब हिंदी में देखने को मिलेगा। और तीसरा द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेस, ये वाली मांगा है ना मैंने पिछले साल रीड करी थी और मैं सोच रहा था यार इसका एनिमे कब आएगा, एनिमे कब अनाउंस होगा, और रिसेंट के अंदर ही इन्होंने एकदम से इसका एनिमे अनाउंस कर दिया कि इसका एनिमे प्रोडक्शन के अंदर है। और मैं बता दूं ये वाला है ना काफी ज्यादा मतलब सुपर एची शो है, और इसके अंदर 5 लड़कियां देखने को मिलेगी और एक लड़का कैफे के अंदर काम करने वाला है। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है ना एक काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि क्रंची रोल इंडिया ने अब ये फैसला कर लिया कि वो इंडिया के अंदर जल्दी से जल्दी नए नए एनिमेज को भी हिंदी में डब करेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ पुरानी ही एनिमेज हिंदी में डब हो रहे थे। लेकिन अब भाई जो लेटेस्ट एनिमे है, मतलब तुम्हें पहले ही दिन के एपिसोड से जापानीज में देखने की जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश डब आया भी नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है यार। और है ना मुझे ये पता है, इन्होंने है ना ये एनिमे की जो इतनी ज्यादा हाइप बन चुकी है ना इंडिया के अंदर, इतना ज्यादा एनिमे का मार्केट बड़ा हो चुका है, और जितनी पॉपुलैरिटी एनिमे की इंडिया के अंदर है और जितना सपोर्ट उसको मिल रहा है, जैसे कि एनिमे मूवीज को अब लास्ट फ्राइडे को ही डीमन स्लेयर थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई और लोगों ने देखा, भाई उसको कितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब इतना तो आजकल कोई मार्वल डीसी बॉलीवुड को भी नहीं देख रहा जितना लोग एनिमे को देख रहे हैं थिएटर्स के अंदर, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ना तुम लोग यार ऐसी क्रंची रोल को सपोर्ट करते रहोगे ना, तो आगे जाके बहुत सारे बड़े बड़े इंडिया के अंदर इवेंट्स रख सकता है, क्योंकि क्रंची रोल बाहर यूएस में और अलग अलग कंट्रीज के अंदर ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखता है एनिमे के और वीप कल्चर के और जितने भी उनके चीज है उनके काफी सारे इवेंट रखता है। तो क्या पता नेक्स्ट ईयर से या फिर इसी साल के एंड से तुम्हें वो इवेंट भी इंडिया के अंदर देखने को मिले। बस तुम्हें उसके लिए क्या करना है, वो है क्रंची रोल को सपोर्ट। जाओ यार क्रंची रोल डाउनलोड करो और उसके ऊपर है ना सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन है ना भाई 80 रुपए का है। 80 रुपए बहुत कम चीज है, इससे ज्यादा तो यार आजकल के 14-15 साल के बच्चों की पॉकेट मनी होती है। बताओ उससे भी कम रेट में तुम्हें यार एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और उसके अंदर कोई एड्स नहीं, मांगा भी मिलेंगी तो तुम मांगा भी पढ़ सकते हो, तो भाई इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है। और मैं तो भाई काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर है ना बहुत सारे एनिमे फैंस है जो एनिमे देखना चाहते हैं, लेकिन वो इस कारण से नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें है ना सबटाइटल पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि भाई मुझे पता है सबटाइटल पढ़ने में स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है, नीचे देखते रहो ऊपर देखो नीचे देखते रहो ऊपर देखो। और है ना कुछ कुछ लोगों को इंग्लिश डब भी नहीं समझ में आता, लेकिन जिनको समझ में आता है उन्हें भी कुछ कुछ लोगों को है ना हिंदी में देखना पसंद है। मुझे पता है काफी सारे लोगों को है ना मूवीज भी हिंदी डब में ही देखना पसंद है, वैसे ही है ना लोगों को एनिमे भी हिंदी डब में देखना पसंद है। तो भाई ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, अब क्रंची रोल है ना ऑफिशियली इंडिया के अंदर रीजन अवेलेबल कर रहा है सारे एनिमेज के धीरे धीरे, और उसके ऊपर से हिंदी डब में लेके आ रहा है, तो वो तो भाई और भी ज्यादा मजेदार चीज है। और इस स्प्रिंग
अपकमिंग सीजन के अंदर जितने भी एनिमेज आने वाले हैं ना, मैं तो भाई उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम कौन सा सबसे पहले देखना चाहोगे वो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो भाई हेल्स पैराडाइज और द कैफे टेरेस गॉडेस देखना है सबसे पहले, तो अपनी चॉइस है ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और इन सारे एनिमेज की रिलीज डेट है ना डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए, वहां पे जाके तुम देख सकते हो कौन सा एनिमे किस डेट को आने वाला है। तो हाँ, जब ये हिंदी डब में आए तो मैं बोलूंगा भाई इनको देखना जरूर और ऑफिशियली देखना, क्योंकि अनऑफिशियली यार तुम्हें हिंदी डब कहीं से मिलेगा ही नहीं। सो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को शेयर करना। अगर उन्हें एनिमे कंटेंट देखना पसंद है या फिर वीप कल्चर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें हिंदी में एनिमे देखना है। सो बस यार आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।